दोस्तों यूँ समझ लो कि 64 मेगापिक्सल का एक तरह से ट्रेंड चल चुका है। कुछ दिन पहले 48 मेगापिक्सल का ट्रेंड था, जो रेडमी नोट्स में प्रो बोल लो, आप रियलमी एक्स बोल लो, यानी बहुत सारे स्मार्टफोन में रियर साइड में आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिला था। अभी यहाँ पे जब से सैमसंग एसोसेल GW1 लेके आए, यानी कि 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर लेके आया है, तब से रेडमी वालों ने कन्फर्म किया कि वो लेके आने वाले हैं। रियलमी ने भी कन्फर्म किया कि वो भी 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ में आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर रियलमी ने अनाउंस किया कि वो 8th ऑफ अगस्त को दिल्ली में एक इवेंट है जिसमें वो बताने वाले हैं 64 मेगापिक्सल कैमरा के सेंसर के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसमें क्या यूनिक फीचर है, कैसे क्वालिटी, वो सारे डिटेल वो बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और नया लीक आया है, यानी कि इस रेस में एक और स्मार्टफोन जुड़ गया है, सैमसंग गैलेक्सी A70s। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का खुद का A70 का अपग्रेडेड वर्जन आएगा, सैमसंग गैलेक्सी A70s, जिसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में आपको सैमसंग गैलेक्सी A70s के बारे में सारा डिटेल बताने वाला हूँ कि उसमें क्या स्पेक्स होंगे, इसके क्या आपको फीचर्स होंगे, प्राइस क्या होगा, वो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी का वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी A70 के बारे में, तो वो स्नैपड्रैगन 675 के साथ में आया था, 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज मिला था, आप एक स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं, ट्रिपल कार्ड स्लॉट था वहाँ पे जो 28,000-29,000 के आसपास में जिसका प्राइस रखा गया था, 4500mAh की बैटरी थी, आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले था, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट था। अगर बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A70s में, जिसके में 64 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल सकता है, तो इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले लगभग आपको सेम वही मिलने वाला है, 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगा आपको, इसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा लेकिन थोड़ा एडवांस मिलेगा, थोड़ा लेटेस्ट मिलेगा, यानी कि जब भी आप फिंगर प्रेस करेंगे वहाँ इन डिस्प्ले में तो वो बहुत जल्दी अनलॉक हो जाएगा। वी शेप नॉच देखने को मिलेगा डिस्प्ले पर, आपको PPI की बात करूँ तो 393 की PPI पिक्सल पर इंच की आपको डिस्प्ले की डेंसिटी मिलेगी। एंड दोस्तों बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 675 नहीं बल्कि स्नैपड्रैगन का 730 मिलेगा। जी दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 730 के साथ में आएगा, जिसका जिसमें एड्रेनो 618 की GPU है, जाकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला, चाहे आप गेम खेलो, पबजी भी आप HDR में आराम से खेल सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। इसमें भी आपको बेस वेरिएंट जो होगा वो आपको 6GB रैम और 128GB या 64GB स्टोरेज के साथ में आएगा। आपको इसमें भी आप माइक्रोसिटी कार्ड लगा के स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि 512GB तक कर सकते हैं, लेकिन बैटरी थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, 4000mAh का बैटरी से मिलेगा, जबकि A70 में आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिली थी। इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें कैमरा की, तो जहाँ पे A70 में आपको ट्रिपल ईयर कैमरा मिला था, वहाँ ये भी आपको वो ट्रिपल ईयर कैमरा के साथ में आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल बाकी जो दोनों रियर कैमरा है वो सब सेम ही हो गए, यानी कि आपको वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिलेगा। और सेल्फी की बात करूँ तो जो सिंगल सेंसर कैमरा है वो आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं स्टोरेज वेरियंट और प्राइस की, तो जो 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में आएगा वो लगभग 25 से 26 हज़ार के आसपास में आपको मिलेगा। जो दोस्तों 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में आएगा वो लगभग आपको 30 हज़ार के आसपास में मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सैमसंग गैलेक्सी A70s के बारे में सारा फीचर्स डिटेल के साथ मैंने बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं सही टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपसर बाय।